जैसे अर्चना जी, हम सब सुपरस्टार्स के फैन होते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आने वाले हैं उनके सुपरस्टार्स भी फैन हैं। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आशा जी जैसे लेजेंडरी सिंगर, वो सब इनके फैन हैं। तो इन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से कांस और भी बड़े बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में धूम मचा के हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये जहाँ भी जाते हैं बेशुमार प्यार और दुआएं देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सबसे पहले ट्रांसजेंडर बैंड की, जिसे लेके आ रहे हैं सिक्स पैक बैंड के क्यूरेटर एंड को फाउंडर। सो प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स लाइक पेस्ट्री, कॉर्पोरेट एंड ट्रैफिक सिग्नल, मिस्टर शमीर टंडन, और साथ में एक्सट्रीमली टैलेंटेड द सिक्स पैक बैंड। एक नूर ते सब जग बजया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। सिग्नल पे जो मांगा तो शाहरुख मेरा टंडी हो गया। क्या ही बात है, मजा आ गया, एक अलग ही एनर्जी आ गई। जोरदार तालियां हो जाए सभी परफॉर्मेंस के लिए। आप सबका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। शमीर सर, थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे लेके आए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने सिक्स पैक बैंड बनाया है। और दूसरा हम जानना चाहेंगे सर, ये बैंड बनाने का आइडिया कैसे आया और इसका नाम सिक्स पैक क्यों पड़ा? कपिल, ये एक बैंड ही नहीं है, ये एक मुहिम है जो हमने करीब 5 साल पहले शुरू की थी, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी ज़रूरतें, जिसके डिज़ायर्स, जिसकी बातें कोई सुनता नहीं था। दिस इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड कम्युनिटी इन आर कंट्री जी, और बहुत ही दुखद थी। तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने और मैंने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा म्यूजिकल बैंड करें जिसके माध्यम से, जैसे आप ह्यूमर के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कभी कभार, तो हमने कहा कि हम संगीत के माध्यम से कुछ संदेशा लोगों तक पहुंचाएं कि हम सब भगवान की देन है, रब दे बंदे हैं बिल्कुल, और हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर हम जेंडर को लेके भेदभाव ना करें राइट, तो द वर्ल्ड विल बी अ मच मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। अच्छा, आप अलग अलग जगह पे जब परफॉर्म करते हैं जी, तो जैसे आपने बताया कि जिन घरों में खुशियां आती हैं आप वहां दुआएं देने जाते हो, बधाई देने जाते हो, तो बड़े सारे फनी किस्से होते होंगे आपके साथ तो? हाँ, लोग हमें पूछते हैं, अरे आपको कैसे पता चला, अभी तक तो हुआ भी नहीं है। एक्चुअली पता ही है, आपके बारे में कहा जाता है कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता, लेकिन इनके एरिया में कौन प्रेग्नेंट है इनको पहले पता चल जाता है। ऐसा है कि ये आज से नहीं, ये रामयुग से चला आ रहा है। अच्छा, जब कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था तो सुबह हम पहुंच गए किन्नर अपनी बधाई लेने के लिए, तो जब भगवान के घर हम दूसरे दिन पहुंच गए, जब रात को वो हुए, सुबह हम उनके यहाँ चले गए। आप तो इंसान हो, जब हम भगवान हमें
हमें अगर पूछा जाता है तो हम यही बताते हैं पेट में था आपका बाहर आया हमारा। अच्छा मैं नजदीक जाना चाहूंगी कपिल जी। जी मैं थोड़ी सी मस्ती कर लूं? जरा ना बोलो। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है हिंदुस्तान में पूरे, बट आई विल नॉट टेक द चांस ऑफ मिसिंग कपिल कपो। हाँ जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा अरमान था, सबको सुनती थी, सब आके हीरोइन लोग दीपिका कभी अनुष्का सब कहते थे कपो कपो कपो, तो मैं भी सोची मैं जिस दिन मिलूंगी मैं भी अरमान सब कपो। तुमसे एक सवाल है मेरा। हाँ जी। शादी कर ली? जी, कर ली। हाँ जी। सारी दुनिया को बुलाया? हाँ जी। पंजाब में किया रिसेप्शन? हाँ। मुंबई में भी रिसेप्शन करवाया, हमें नहीं बुलाया। मगर एक बात है। हाँ जी। दीपिका शादी में आई? हाँ, हाँ दीपिका का कुछ सुना है? दीपिका भी दीपिका पादुकोण भी शादी में आई? आई आई। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी मस्ती हो गई, सब हो गई, कपिल से जितना सोची थी दिल में उससे ज्यादा बात कर ली। बस अर्चना जी से कुछ पूछना चाहती थी। पूछिए। मैं बचपन से आपकी फैन हूँ सबसे पहले तो। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एवर। ओह थैंक यू सो मच। सेकंड थिंग पूछना था, सिद्धू जी कहाँ है? <How's that? laughs> So I'm here with a smiley. मतलब अर्चना जी सच में खुश है बहुत। तो आपने तो बुलाया नहीं शादी में। खैर तो हमने सोचा हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं, वैसे भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी कपिल के लिए कुछ छोटी सी बधाई लेने के लेके आए हैं। हमने और एक चीज सुनी है। अच्छा जी। क्या आप बहुत ही जल्दी प्राउड फादर बनने वाले हैं? आशीर्वाद चाहिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू तो उस चीज को लेकर हम आपके लिए बधाई हो। आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आप लोगों से मिलकर बात करके। एंड थैंक यू सो मच। और फिर कभी दोबारा कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप लोग दोबारा आओ, क्योंकि बड़ी सारी बातें, ऐसा लग रहा है कि अभी और बातें होनी चाहिए। होनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फुलफिल्ड येट। अच्छा और एक वादा लेके जा रही हूँ। जी। शादी में तो तुमने नहीं बुलाया। जी। बेबी होगा तो मैं जरूर आऊंगा। 100% आप घर आइएगा प्लीज। और मेरे आशीर्वाद दूंगी, हमारे आशीर्वाद से लगे जरूर जरूर वो खूब कामयाब हो आपकी तरह। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू शमीर सर। थैंक यू सो मच कपिल फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।